स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रामा महाराज को ऐसी क्या भेंट देगा और किस जो है मकसद से वो भेंट देगा जिससे महाराज क्रोधित हो जाएंगे, और फिर रामा महाराज को कैसे समझाएगा और महाराज के लिए वो भेंट कितनी उपयोगी होगी, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि राज्याभिषेक से पहले महाराज को रामा और राजगुरु दोनों को ही भेंट देनी है। जिसकी भेंट अच्छी होगी वो महाराज के हृदय के ज़्यादा समीप होगा, ऐसा महाराज का कहना है। तो इसी विषय में दोनों की जो उपहार है, जो भेंट है, उन्हीं के ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। रामा महाराज को कुछ ऐसी भेंट दे देगा जिससे महाराज काफ़ी क्रोधित हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी विषय में। उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, एक लाइक कर दें हमारी वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने विषय के बारे में। तो जो राजगुरु है वो महाराज को एक तलवार भेंट करेंगे जो काफ़ी मजबूत तलवार होगी और काफ़ी जो है राजसी तलवार होगी, जो महाराज को काफ़ी पसंद आएगी। जब बारी आएगी रामा का उपहार देने की, रामा की भेंट देने की, तो रामा एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को महाराज के सामने लाएंगे। और जब महाराज पूछेंगे कि आपकी भेंट क्या है, तो रामा कहेगा कि ये दरिद्रता मेरी तरफ से भेंट है। तो महाराज समझेंगे कि ये दरिद्रता मुझे भेंट कर रहा है जिससे मैं दरिद्र हो जाऊँ, ये ऐसा चाहता है रामा। तो महाराज उस पर ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं बताऊँगा कि महाराज की जो है वो जो भेंट दी गई है रामा के द्वारा, उसका मकसद क्या है, उसके मायने क्या है। तो क्योंकि महाराज 20 वर्षों के बाद वापस विजयनगर में आए हैं, तो काफ़ी कुछ घटित हुआ है विजयनगर में जिससे दरिद्रता बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, अस्वच्छता बढ़ी है। तो महाराज को रामा यही संदेश देना चाहता है कि आपके राज्य में जो दरिद्रता है आप इसको दूर करिए, जो अस्वच्छता है उसको दूर करिए, जो अपराध बढ़े हैं उनको दूर करिए। ये संदेश रामा देना चाहता है महाराज को वो भेंट देकर। और महाराज जब इसको समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, महाराज भी समझेंगे और वो राज्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से महाराज को वो भेंट भी पसंद आएगी और रामा का विचार भी पसंद आएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।